अगर आप पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात, ऑल ओवर वर्ल्ड की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया धूमधाम से कर रही है, उसकी चर्चा करेंगे, तो अगर न्यूट्रिशन शब्द को हटा दो तो सारी इंडस्ट्री खत्म हो जाए। पहला एक शब्द को हटा दो कि न्यूट्रिशन प्रोडक्ट बंद कर दिए साहब किसी वजह से, तो सारी इंडस्ट्री पूरी पूरी इंडस्ट्री कोलैप्स हो जाएगी। नंबर वन। नंबर दो, दुनिया में जितनी भी टॉप लेवल की कंपनियां हैं जिनको आप नंबर वन, नंबर टू, नंबर तीन, नंबर चार, नंबर पाँच है, ऊपर टॉप टेन से काउंट कर लो, टॉप टेन में वही कंपनियां हैं जिनका बेसिक प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट न्यूट्रिशन है। इंडिया में नंबर वन पे वही कंपनी है जिसका मेन प्रोडक्ट न्यूट्रिशन है। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या कि हम कंफर्ट जोन में इसलिए आ गए क्योंकि हमारे पास ईजी प्रोडक्ट है। बाकी अगर बात जो और दूसरा जो आजकल मैं इनकम के एग्जांपल दिखाता हूँ कि भाई 8 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, वो केवल उन्हीं कंपनियों के एग्जांपल होते हैं जो कंपनियों में न्यूट्रिशन मेन प्रोडक्ट के रूप में है, यानी किसी भी बड़ी इनकम बड़ा एग्जांपल और ऑल ओवर। दूसरा जो ग्लोबल अप्रोच है, किसी भी कंपनी की ग्लोबल अप्रोच है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रोच है, इंडियन अप्रोच नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड अप्रोच है, वो वही कंपनी है जिसका बेसिक प्रोडक्ट न्यूट्रिशन है। दूसरा, आपके बिजनेस में आप किसी भी आरसीएम के आदमी का डाटा उठा लो, जिसके प्रोडक्ट में न्यूट्रिशन का परसेंटेज बढ़ जाएगा उसका ग्रोथ रेट बढ़ जाएगा। आप सारी चीज़ को मैं डाटा से चेक करवा रहा हूँ। संजीव जी की तो क्या दिल में जगह है, इसलिए उन्होंने अरविंद जी को बिठा लिया। अब हमारे दिल में तो जगह है नहीं हमारे दिल में तो हमारे दिल वाले बैठ गए, लेकिन ये दिमाग में जगह है कि एक्चुअली में अगर आप पूरे डाटा बेस पर काम करें, फैक्चुअल बेस पर काम करें, जिस दिन आपके न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिशन का बिजनेस का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, उस दिन आपकी सक्सेस का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। दूसरा, कंसिस्टेंसी अगर आपके बिजनेस में आपको चाहिए तो वो कंसिस्टेंसी नॉलेज वाले लोगों से आएगी, और नॉलेज वाले लोग किस पे शिफ्ट होंगे, न्यूट्रिचार्ज प्रोडक्ट। तो इसलिए न्यूट्रिशन की वैल्यू कितनी है अपने लिए, अपने कैरियर के लिए, अपने बड़े ख्वाब के लिए, पूरी इंडस्ट्री को चलाने के लिए, और इंडिया में भी अगर कोई कंपनियां मतलब टॉपर लेवल पे जाने की तैयारी करती है तो उसको न्यूट्रिशन को बेसिक प्रोडक्ट के रूप में समझना पड़ेगा। ये क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का जो डीएनए है, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो डीएनए है वो न्यूट्रिशन से मैच करता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री का मतलब है किसी और से मिलना किसी प्रोडक्ट के माध्यम से, और ऐसे प्रोडक्ट के माध्यम से जिसमें कुछ नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो वो न्यूट्रिचार्ज का आपको उसमें, इसलिए आपको इस प्रोडक्ट को हमारे पास क्योंकि इजी प्रोडक्ट बहुत है तो हम इजी में रह जाते हैं तो हम उसमें नहीं हो पाते, लेकिन अगर हम इस प्रोडक्ट को वैल्यू करेंगे, और अब तो खैर मैं समझता हूँ कि ये जो कोविड का जो काल आया इसने हर आदमी को समझा दिया कि भाई न्यूट्रिशन हमारी डेली लाइफ का पार्ट है, ये अब कोई कभी कभी का मामला नहीं है, ये कोई थोड़ी देर का मामला नहीं है, ये हमारी लाइफ का पार्ट है। और बहुत गहराई से अगर आप कल का अखबार और आज का अखबार पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे तरीके से बहुत बड़ी हेडलाइन में लिखा हुआ है कि हमारी थाली पोषक तत्वों से खाली, मतलब हम जो खा रहे हैं, हम जो पी रहे हैं, हम जो खा रहे हैं वो हम जो पी रहे हैं वो उसमें ऐसा कुछ नहीं है जिससे हमारे शरीर को हम इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकें, उससे हम अपना पेट भर रहे हैं, हम पेट भरने के लिए खा रहे हैं, लेकिन अब शरीर को खाली पेट भरने की जरूरत नहीं रही, अब हमारी इम्यूनिटी की ज़्यादा ज़रूरत हो गई। और आने वाले दिनों में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो बनने जा रही है, क्योंकि आज हर कंपनी हर मतलब वो कहते नहीं कि आज तो साबुन बेचने वाला भी कहीं कहीं बीच में इम्यूनिटी का शब्द डाल ही देता है, वो कैसे कोशिश करता है कि मच्छर भगाने वाला भी कहीं ना कहीं वो इम्यूनिटी डाल देता है, नींद वाला भी। तो जहाँ इम्यूनिटी के बिना दुनिया की कोई चीज़ ही नहीं चल सकती मार्केटिंग की दुनिया में, वहाँ इम्यूनिटी के बेसिक प्रोडक्ट जो है वो किसी भी आदमी के लिए समझना कितना ज़रूरी है, उन पर फोकस करना कितना ज़रूरी है, उनकी वैल्यू करना कितना ज़रूरी है। मतलब मैं आज आपको ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमें इन प्रोडक्टों को केवल ऑफर के आधार पर नहीं समझना है, हमारी बेसिक प्रोग्रेस और लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस, परमानेंट प्रोग्रेस, इंटरनेशनल लेवल की सारी फैक्चुअल पोजीशन के आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री में जिनको टॉपर लेवल पे जाना है, जिनको टॉपर लेवल पे जाना है, जिनको लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस करनी है, जिनको अपने बिजनेस में इंटेलेक्चुअल क्लास को लाना है, जिनको मतलब किसी भी एंगल से बात करेंगे तो ये हमारे लिए जिसको कहना चाहिए कि किसी शरीर के लिए जो सबसे ज़रूरी, जैसे इन दिनों में ऑक्सीजन सबसे वैल्यूएबल चीज़, तो ये वो ऑक्सीजन है जो थोड़ा सा भी कम करेंगे तो फिर वो आपके बिजनेस की मतलब उस पर चला जाएगा वेंटिलेटर में। मतलब शब्दावली अभी चलो मैं टेम्परेरी कहीं से ढूंढ के ला रहा हूँ,
लेकिन हकीकत यह है कि न्यूट्रिशन हमारे बिजनेस का वो अहम पार्ट है जो हमारी नज़र में कहीं कहीं इग्नोर इसलिए हो जाता है क्योंकि हमारे को कुछ इजी चीज़ें मिल जाती है अपना बिजनेस वॉल्यूम लाने के लिए, तो हम थोड़ा सा मेहनत करने वाले काम पे सीखते नहीं हो पाते। लेकिन आज मैं आपका फोकस करवाना चाहता हूँ, आज मैं आपका गौर करवाना चाहता हूँ।